हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बेबी के लिए 3 रेसिपी लेकर आए हैं। उससे हमें ब्रेकफास्ट लंच में क्या खिलाना चाहिए वो हम बनाने वाले हैं। तो पहली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम बना रहे हैं मैंगो और मखाना पॉरिज। तो उसके लिए हमने हाफ मैंगो ले लिया है, पूरा मैंगो नहीं लेना है, हमें हाफ लेना है। तो यहाँ पर हमने हाफ मैंगो को कट कर लिया है, इस तरीके से कट कर लेंगे। अब ये मैंगो को हम ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंडर में डाल के इसकी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब हमने प्यूरी बना के साइड में रख दिया। अब हमने एक कप लिया है मखाना, क्योंकि हम मखाने का पॉरिज बना रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए मखाना। तो यहाँ हमने एक कटोरी मखाना लिया है। और अब हम गैस पे चलेंगे। तो गैस पे एक पैन में से हम पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे मखानों को। ड्राई रोस्ट, थोड़ा सा ये गर्म हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून देसी घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून देसी घी ऐड कर दिया। अब हम इसे घी के साथ सेक लेंगे लगातार चलाते हुए। तो ये हमें अच्छे से फ्राई करने घी के साथ, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाए। एक बार हम चेक कर लेंगे कि क्रिस्पी हुए हैं या नहीं। तो अगर ये अच्छे से टूट रहे हैं, क्रिस्पी हो गए, तो हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो अब हमने इसे चेक भी कर लिया, तो हमें एक प्लेट में निकाल लिया। अब इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम, और ठंडा करने के बाद इसे भी हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब ये हमने ग्राइंड कर लिया, अब हम इसी पैन में इसको डालेंगे। और डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हाँ, पानी डालते ही तुरंत ही थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाएगा। अब इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे, और पानी डालने के बाद हम इसमें ये मैंगो की प्यूरी डालेंगे। मैंगो की प्यूरी डालने के बाद हम इसे घुमाएंगे, इस तरीके से मिला देंगे और इसे थोड़ा सा पकने देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत जल्दी पक जाता है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा हम इस तरीके से ब्लेंडर में पानी डाल के थोड़ा सा इसमें और मिक्स कर देंगे, ताकि जो आसपास मैंगो लगा हुआ था ब्लेंडर में वो भी निकल जाएगा। और इसे हम पकाएंगे। विद इन अ मिनट ये आराम से बनके रेडी हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। इंस्टेंट आप बेबी को बना के दे सकते हैं। इसे बहुत ही हेल्दी वेट गेनिंग फूड है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी रेसिपी है बच्चों के लिए। ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट भी करती है और बेबी को हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लाती है। तो चलिए, ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। और ये हमारी मैंगो मखाना पॉरिज बनके तैयार है। आप इसे बेबी को गर्मा गर्म ही सर्व करें। आप इसे बेबी को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम आप इसे दे सकते हैं। तो ये हमारी एक रेसिपी हो गई। अब हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ हमने सेकंड रेसिपी स्टार्ट की है। उसके लिए हमने लिया है 2 चम्मच रागी पाउडर, और इसे थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, लगातार चलाएँगे इसे। अच्छे से मिक्स हो जाएगा जब ये, ये देखिए हमने इसे मिक्स करना है इस तरह से। अब हम एक पैन रखेंगे गैस पे, और उस पैन में हम पानी डालेंगे। एक कप हमने इसमें पानी डाला है। अब हम इसमें रागी का जो हमने घोल तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसे मिला देंगे हम। बहुत ही इंस्टेंट फूड है ये बेबी के लिए। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। जितनी भी रेसिपी अब मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही इजी वे में बताऊंगी, सिंपल और इंस्टेंट बनके तैयार होगी, और बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी भी रहेंगी, फ़ायदेमंद भी रहेंगी। बहुत सारे बेनिफिट्स आपकी बेबी को इन फूड से मिलेंगे। अब ये देखिए, हमने अच्छे से इसे पकाया है। अब इसमें हाफ टी स्पून हम डालेंगे देसी घी, और देसी घी डाल के भी हम इसे मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए, बहुत ही अच्छा इसका कलर आ जाता है घी डालने के बाद, और घी बच्चों को थोड़ा सा हमें देना भी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जैगरी पाउडर। थोड़ा सा मीठा करने के लिए हम इसमें जैगरी पाउडर डाला है। आप जैगरी पाउडर की जगह इसमें डेट्स भी डाल सकते हैं, डेट्स सिरप भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बहुत कम टाइम में ये सब फूड बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और बहुत ही हेल्दी वेट गेनिंग फूड है। आप बेबी को इसे ज़रूर खिलाएं, ये बेबी को आप ब्रेकफास्ट के टाइम ज़रूर दें। तो ये भी हमारा बनके रेडी है। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे, और बेबी को फीड के लिए रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म बेबी को खिलाएँ। तो ये देखिए तैयार है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ये देखिए, बिल्कुल रेडी है बेबी को खिलाने के लिए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगेगा बेबी को खाने में। बच्चों को ये फूड ज़रूर खिलाएं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये फूड्स। तो ये हमारी 2 रेसिपी तैयार हो गई है। अब हम तीसरी रेसिपी तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिए तीसरी रेसिपी बनाने के लिए कैरेट, एक गाजर लिए हमने। गाजर को अच्छे से हम धो लेंगे पहले, और धोने के बाद इसे अच्छे से कट कर लेंगे बारीक
बारीक बारीक कर सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे पीसेस में भी इसे कट कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे 2 चम्मच राइस। हम बनाने वाले हैं कैरेट राइस बेबी के लिए पॉरिज, तो हम इसके लिए 2 चम्मच राइस लेंगे और राइस को अच्छे से 2 से 3 बार हम पानी से धो के इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। 2-3 बार हमें धोना है। ये देखिए हमने ये धो के तैयार कर लिए हैं और ये हमने गाजर को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो हम गैस पे एक पैन रखेंगे और उसमें हम ये चावल को डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम इसी में ही गाजर को डाल देंगे और इसको भी डालने के बाद हम इसमें 1 बड़ा कप भर के पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम, हम इसमें नमक डालेंगे। बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे इसमें, बिल्कुल ज़रा सा चुटकी भर हम इसमें नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना क्योंकि हम ये बेबी के लिए बना रहे हैं। तो हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। अब हम इसे ढककर पकने देंगे। तो हमने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया है और ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया है। हम दोबारा से ढक देंगे इसे और इसे पूरी तरह कुक होने देंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक ये पक गया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें 1/2 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे। यहाँ हमने देसी घी ऐड कर दिया और इसे मिला देंगे। अब हम इसे दोबारा ढक देंगे और पकने देंगे पूरी तरह से। अब हम चेक कर लेते हैं इसे। तो अब ये पक गया है। हमें पूरा पानी नहीं सुखाना है, थोड़ा सा गीला ही रखना है। अब हम इसे उतार लेंगे, गैस को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद गैस को हम इसे मैश कर लेंगे इस तरीके से, मैशर की मदद से, या फिर आप ग्राइंडर में भी डाल के इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कर लिया है, ये अच्छे से मैश हो गया है। अब ये बेबी फूड बनके बिल्कुल रेडी है। इसे आप बेबी को डिनर में ज़रूर खिलाएं। इससे बेबी का पेट भी भरा रहेगा, बेबी हेल्दी भी रहेगा और बेबी को नींद भी अच्छी आएगी। तो चलिए हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। बहुत ही हेल्दी वेट गेनिंग फूड है ये। आप इसे बेबी को ज़रूर खिलाइएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर नोटिफिकेशन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जो भी नई वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगी ना तो उसकी अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।